Hello everyone. Yesterday we have discussed cement properties and fineness of cement and its test. Today we will discuss air permissibility test of cement. This method of test covers the procedure for determining the fineness of cement as represented by specific surface expressed as total square centimeter per gram of cement. मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या कवर करती है, फाइनेस ऑफ सीमेंट कवर करती है और किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं ये, तो ये एक्सप्रेस होता है स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम, किसका, सीमेंट का, ठीक है। इट इज़ आल्सो एक्सप्रेस बाय मीटर स्क्वायर पर केजी, मीटर स्क्वायर पर केजी। अब लिया एंड नर्स एयर परमिसिबल टेस्ट अपरेटस इज शोन इन बिलो फिगर। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से फिगर दिया हुआ है। ड्राई एयर के लिए एक पाइप देके रखा है, सीमेंट कंटेनर के लिए सीमेंट का एक मोल्ड देके रखा हुआ है, परमिसिबल सेल देके रखा हुआ है, मैनोमीटर देके रखा हुआ है जिसके ऊपर से अपन को स्पेसिफिक सरफेस मिलेगा। फिर कैपिलरी ट्यूब देके रखा है जिसके थ्रू अपना जो क्या बोलते हैं ऑयल फ्लो करेगा, और फ्लो मीटर देके रखा है, ठीक है। तो ये सब हमको देके रखा है। डिफरेंस बिटवीन मैनोमीटर और फ्लो मीटर का जो आएगा वो हमको क्या मिलेगा, हमको स्पेसिफिक सरफेस मिलेगा। ये आपको पूरा एक फिगर शॉट में देके रखा है। अब ये एपरेटस क्या है, तो दिस एपरेटस कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट। सिंपल है, स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट फाइंड करने के लिए एपरेटस यूज होता है। रिलेशन बिटवीन द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द सीमेंट बेड एंड द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल कंप्राइज द सीमेंट बेड। अब ये किसका रिलेशन, किसके बिटवीन का रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन किसका, ये फ्लो ऑफ एयर ऑफ सीमेंट बेड, समझ में आया। फ्लो, जो भी फ्लो जाएगा सीमेंट के द्वारा वो वर्सेस सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स कंप्राइज्ड ऑन सीमेंट बेड, मतलब कितने पार्टिकल्स कंप्राइज हुए हैं किसके, सीमेंट बेड के अंदर, उन दोनों का डिफरेंस है क्या, उन दोनों का रिलेशन है क्या ये एयर परमिसिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। फ्रॉम दिस सरफेस एरिया पर यूनिट वेट बाय द बॉडी मटेरियल कैन बी रिलेटेड बाय परमिसिबिलिटी ऑफ अ बेड of a given porosity. The cement bed in the permissibility cell is 1 centimeter. Cement bed के अंदर permissibility cell कितना होता है, 1 centimeter का रखेंगे। High and 2.5 centimeter, ठीक है। In diameter, height किसका कितना रहेगा permissible cell का, 1 centimeter रहेगा, और जो diameter रहेगा वो 2.5 centimeter रहेगा, ठीक है। नोइंग द डेंसिटी ऑफ सीमेंट द वेट रिक्वायर टू मेक अ सीमेंट बेड ऑफ पोरोसिटी ऑफ 0.475 कैन बी कैलकुलेटेड। स्टैंडर्ड वेट हमको लेने का है कितना, 0.475 पोरोसिटी लेनी है, और स्टैंडर्ड साइज का वेट लेना है पोरोसिटी सीमेंट की, हमको स्टैंडर्ड साइज का वेट लेके रखने का, और उसकी पोरोसिटी अपन को 0.475 लेनी है, ठीक है। दिस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज प्लेस इन परमिसिबिलिटी सेल, और इस कितनी क्वान्टिटी का सीमेंट हम परमिसिबिलिटी सेल के अंदर डालेंगे स्टैंडर्ड मैनर में, स्लोली प्रेस्ड एज अ एयर थ्रू द सीमेंट, और स्लोली हमको एयर प्रेस्ड करना है सीमेंट के थ्रू एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। फिर एडजस्ट द रेट ऑफ एयर फ्लो अंटिल द फ्लो मीटर शोज अ डिफरेंट इन लेवल ऑफ 30 to 50 centimeter। हमको एडजस्ट करते रहना है कब एयर फ्लो कब तक 30 to 50 centimeter हमको फ्लो मीटर दिखाने सेंटीमीटर फ्लो दिखा नहीं देता उसके अंदर, किसके अंदर, मैनोमीटर के अंदर। फिर रीडिंग डिफरेंस इन लेवल ऑफ मैनोमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन लेवल H2 ऑफ फ्लो मीटर, ठीक है। फिर हमको रीड करना है डिफरेंस बिटवीन किसका, मैनोमीटर का और फ्लो मीटर का। फिर रिपीट दिस ऑब्जर्वेशन टू एंश्योर द स्टेडी कंडीशन हैव बीन ऑब्टेंड एज शोन इन द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ H1 और H2, और ये चीज़ हमको रिपीट करते रहनी है 3-4 बार जब तक हमको H1 और H2 की कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाती है। और फिर स्पेसिफिक सरफेस SW इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला, और फिर हमको इस फार्मूला से क्या करने का, हमको ये मिल जाएगा उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। अब K मैंने बताया कि क्या पोरोसिटी 0.475 लेने की अपन को, डिवाइडेड बाय H1 अपन का जो रीडिंग आया वो डिवाइडेड बाय H2 रूट ऑफ H1 H2,
इस तरीके से ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सेकंड एक और टेस्ट था, वो नियो का टेस्ट था, और ये एक और टेस्ट है ब्लेनी टेस्ट। ब्लेनी टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है, ठीक है। फाइनेस सेम ही इसका काम रहता है। इसके जो आप पार्ट्स देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है, प्लंजर दिया हुआ है, ट्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे ट्यूब से अपन को एयर हम उनको सप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे विस्कोसिटी मेंटेन रखने के लिए जो आपको दो ट्यूब दिए दिख रहे हैं प्लंजर के नीचे, जो जिसको हम मैनोमीटर बोल रहे हैं और वुडन स्टैंड बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑयल मिलेगा, ठीक है, ऑयल मिलेगा। और उसको हम यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ये इससे हमको एडजस्ट करना है वो ऑयल का क्या विस्कोसिटी, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं प्लंजर दिया हुआ है, ठीक है। प्लंजर के मतलब एक मोल्ड टाइप का होगा, परफोरेटेड डिस्क उसके अंदर डली हुई होगी, और परमिसेबल सेल होगा। परमिसेबल सेल के अंदर एक प्लंजर होगा जो ऊपर नीचे होता होगा। हमको जो स्टैंडर्ड साइज़ का वेट करके क्या लेने का है, हमें सीमेंट लेने का है, वो हमको प्लंजर के अंदर डालने का है। उससे प्लंजर से डालने से पहले उसके अंदर हमको परफोरेटेड डिस्क डालनी है। परफोरेटेड डिस्क क्या करेगी कि भाई सेटल करेगी किसको, सीमेंट को सेटल करेगी, वो नीचे अपन को वो उसका जो सीमेंट है वो नीचे नहीं चले जाएगा। इस तरीके से अपन को फिर ये जो और ये पूरा जो भाग है वो क्या होता है डिसमेंटल हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रबर का कॉर्क दिया हुआ है, इसके ऊपर हम प्लंजर को डालेंगे आफ्टर फिलिंग ऑफ सीमेंट। और फिर बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से वेलोसिटी को छोड़ेंगे। जैसे वेलोसिटी को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या रीडिंग आएगी, वो जो रीडिंग आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक सरफेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब इसका आप देख लेते हैं। फाइनेस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय बेलिस एयर परमिसिबिलिटी एपरेटस। दिस मेथड इज़ मोर कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंडिया। मोस्ट कॉमनली हम लोग यही मेथड यूज़ करते हैं कहाँ पे, इंडिया में। और ये जो आप स्केच देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्केच है, किसके लिए, रिलेटेड टू GTU एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारे इंडिया में ये वाला मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बहुत सारी लिंक भी यूट्यूब से आपको मिल जाएगी। अगर आपको टेस्ट देखना है तो यूट्यूब से आप इसका टेस्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, और सिंपल में हिंदी लैंग्वेज में भी समझाया गया टेस्ट है, और इंग्लिश में भी समझाया हुआ टेस्ट है, और बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट रहता है। और उससे अपन को स्पेसिफिक सरफेस मिल जाता है किसका, सीमेंट का। अब स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट फॉर वेरियस सीमेंट इज शोन इन द ब्लू। अब देखो स्पेसिफिक सरफेस दिख के रखा हुआ है अलग अलग सीमेंट का, ठीक है। अब जैसे कि टाइप ऑफ सीमेंट के अंदर आपको दिख रहा होगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट देख के रखा है, जिसके अलग तीन ग्रेड है, 33 ग्रेड का होता है, 43 ग्रेड का होता है, और 53 ग्रेड का होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तीन ग्रेड का होता है, 33, 43 एंड 53, 10 10 10 प्लस करते जाने का, ठीक है। फिर उसका IS कोड क्या है, तो भाई 33 का IS कोड है IS 26989। सारी प्रॉपर्टी आपको वहाँ से मिल जाएगी इसकी, ठीक है। 43 का गेट क्या है, 8112-1989। इसकी प्रॉपर्टी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और 53 गेट का क्या है, 12269-1987 IS कोड। तो आपको 53 ग्रेड की प्रॉपर्टी वहाँ से मिल जाएगी। अब बाजू में फाइनेंस का दो कॉलम बना के रखे हुए हैं, एक में दिया है परसेंटेज वेट ऑफ रेसिड्यू ऑन 90 माइक्रोन सीव, मतलब 90 माइक्रो सीव से परसेंटेज वेट का दिया हुआ है, मतलब कितना रेसिड्यू ऊपर बच जाता है। तो उसके अंदर आपको देख सकते हैं 10 10 10 परसेंटेज सब में बच जाता है। अब स्पेसिफिक सरफेस पर एरिया आप देखेंगे तो कितना है, तीनों का सेम है 225। तो ये पूरा स्टैंडर्ड साइज का दिया हुआ है, समझ में आया। फिर अपने जो सेकंड सीमेंट का है वो है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट PPC, जिसको हम जिसके अंदर जो पहला जो डिवीजन है वो है फ्लाई एश बेस्ड। फ्लाई एश बेस्ड का जो IS कोड है वो कितना है, 1489 पार्ट 1 1991, ठीक है। इसका स्पेसिफिक वेट ऑफ रेसिड्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फ्लाई एश है क्योंकि बहुत कम इसका रहेगा। तो इसका स्पेसिफिक जितना आपको फाइनेंस रहेगा उतना, जितना रेसिड्यू कम रहेगा उतना स्पेसिफिक सरफेस ज़्यादा रहेगा, तो कितना है 300, ठीक है। फिर आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिसका IS कोड 840-1990 है, और जिसका परसेंटेज वेट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 5 है, और स्पेसिफिक सरफेस कितना है 325। फिर लो हीट सीमेंट का देके रखा है, वैसे ही पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का देके रखा है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का देके रखा है, सुपर सल्फेट सीमेंट का देके रखा है, और कंक्रीट स्लीपर ग्रेड सीमेंट का देके रखा है।
जो कि कंक्रीट स्लीपर्स ग्रेड, यानी आपको जो रेलवेज में भी ये कंक्रीट काम में आता है। ठीक है, ये टेबल को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए और समझ लीजिए। नाउ सेकेंड, व्हाट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट? व्हाट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट? फॉर फाइंडिंग आउट इनिशियल टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम एंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट एंड स्ट्रेंथ, अ पैरामीटर नोन एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हैज टू बी यूज। इनिशियल टाइम फाइंड करने के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए, साउंडनेस फाइंड करने के लिए और स्ट्रेंथ पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर क्या होता है भाई? इट इज पर्टिनेंट एट दिस स्टेज टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, इट इज़ द पर्टिनेंट एट द स्टेज टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। वॉट इज पर्टिनेंट? पर्टिनेंट इज द रिलेटिव एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर मैथड। मतलब क्या ये पर्टिकुलर मैथड का एक स्टेज है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं किससे? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट से। अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी विच विल बी परमिट अ विकेट प्लग हैविंग 10 सेंटीमीटर डाया एंड 15 सेंटीमीटर लेंथ टू पर पेनीट्रेट टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 cm फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड शोन इन द फिगर ब्लो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोल्ड होगा, कितने सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का मोल्ड होगा। ठीक है, और कितना है उसका हाइट रहेगा? उसका 50 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का मोल्ड है? 10 डायामीटर का मोल्ड है और 10 mm का डायामीटर है उसका, और 50 mm का क्या है उसका अपना ये हाइट है। ठीक है, इस तरीके का इसके अंदर वो होगा। अच्छा, विकेट जो मीटर है, विकेट जो प्लंजर है उसको हमें यहाँ पे रखना रहेगा। ठीक है, अब थ्रू द ग्रेविटी ये जो प्लंजर का, प्लंजर के अंदर से क्या निकलेगा? वो प्लंजर निकलेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा? धीरे 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 नीचे आएगा। जब तक वो पूरा का पूरा मोल्ड के नीचे तक टच नहीं हो जाता तब तक अपन को रीडिंग नहीं लेने की, और जैसे ही वो टच हो जाता है उसके बाद अपन को यहाँ पे रीडिंग लेने की, जिससे अपन को क्या पता चल जाएगी? कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पता चल जाएगी। ठीक है, द एपरेटस इज ऑल्सो कॉल्ड विकेट एपरेटस। दिस विकेट एपरेटस इज यूज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट टू द प्रोड्यूस ऑफ द सीमेंट पेस्ट। कितना वाटर रिक्वायरमेंट है सीमेंट के पेस्ट के अंदर वो उसके अंदर पता चलता है, मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पता चलती है कि पानी की कंसिस्टेंसी क्या है सीमेंट के अंदर। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज सम टाइम कॉल्ड नॉर्मल कंसिस्टेंसी, CPNC, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंसिस्टेंसी। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज सम टाइम कॉल्ड नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ये याद रखना है अपन को। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर आप फिगर के अंदर देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है, इंडिकेटर दिया हुआ है। ठीक है, उसका रियल इमेज ये रहा, ये ऑटोमेटिक विस्कस मीटर है जिसके ऑटोमेटिकली सारे काम रहेगा। ठीक है, और ये जो पहला इमेज दे के रखा है इसके अंदर क्या रहेगा अपना, इसके अंदर भी ऑटोमेटिक रहेगा पर अपन को क्या करना रहेगा? मोल्ड तैयार करना रहेगा और ये ग्रेविटी के थ्रू चलेगा, पर ये इसके अंदर क्या रहेगा? ये ये प्रेशर किसके हिसाब से देगा? ये मशीन के हिसाब से ये प्रेशर देगा। ठीक है, अब ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो ये जिसके ऊपर स्टैंड रखा है, ये जो आपको सेकेंड इमेज दिख रही है आपको, इसकी जो सेकेंड इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये ग्लास है। ठीक है, फिर ये मोल्ड आ गया, फिर ये जो है ये क्या है? प्लंजर है। ठीक है, प्लंजर के ऊपर ये स्केल दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये इसका जो वेट है प्लंजर का कितना है? 300 ग्राम। ठीक है, तो धीरे 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 क्या होगा, ये जो प्लंजर है नीचे को जाएगा, मोल्ड के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे ही मोल्ड के अंदर धीरे धीरे जाएगा और जब तक ये जो प्लेट है ग्लास प्लेट को टच नहीं कर देता तब तक अपन को उसकी रीडिंग नहीं लेने की, और जैसे ही ग्लास को टच कर दिया वैसे ही अपन को रीडिंग लेने की, तो अपन को क्या मिल जाएगा? अपन को मिल जाएगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है,
इस तरीके से काम करता है। अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, अपरेटस एंड मटेरियल, क्या क्या अपरेटस लगता है और क्या क्या मटेरियल लगता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द विकेट अपरेटस लगता है, जिसको मैंने आपको बताया, उसका जो मोल्ड रहता है या तो 40 mm की हाइट का रहता है या 80 mm का डायामीटर, 40 mm का मोल्ड रहता है और हाइट उसका 80 mm का डायामीटर रहता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर सीमेंट, सीमेंट का क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, ये अपन नॉर्मल लेते हैं। फिर बैलेंसिंग करते हैं उसका, फिर मेजरिंग ऑफ सिलेंडर, बैलेंसिंग और मेजरिंग सिलेंडर, ये हमको इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना अपरेटस रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बैलेंस, बैलेंस यानी अपन को वेट करना पड़ेगा ना किसका, बोल्ट का, उसके लिए। प्रोसीजर, अब क्या प्रोसीजर है, तो अपन क्या करेंगे, टेक अबाउट 500 ग्राम ऑफ सीमेंट, 500 ग्राम का अपन क्या लेंगे, सीमेंट रहेंगे, उसका अपन क्या तैयार करेंगे, एक वाटर मिला के उसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, 24% बाय द वेट ऑफ सीमेंट, मतलब जितना अपन 500 ग्राम का सीमेंट ले रहे हैं तो उसका 24% निकालेंगे, अराउंड 120 ml ऑफ वाटर हम उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, फॉर फर्स्ट ट्रायल, पहले ट्रायल के लिए अपन ऐसा करेंगे, है ना। फिर द पेस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अ स्टैंडर्ड मैनर, स्टैंडर्ड मैनर यानी अच्छी तरीके से, उसको कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, अच्छी तरीके से बनाना है उसको, क्या बोलते हैं, मिक्स उसको अच्छी तरीके से करना है, पेस्ट शुड बी मिक्स वेल, ओके, फिल इन टू विकेट मोल्ड विथ 3 to 5 minutes, और उसको हमको क्या करना है, विकेट मोल्ड के अंदर फिल करके रख देना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फिलिंग द मोल्ड, शेक द मोल्ड टू एक्सपेल द एयर, अब क्या करना है अपन को, एक बार अपन ने मोल्ड को, मोल्ड के अंदर सीमेंट भर दिया, उसको अच्छी तरीके से वाइब्रेट कर देना है, जिसकी वजह अगर उसके अंदर थोड़ी भी एयर पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या होंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के जो पाँचवा पार्ट है, वो क्या करना है, स्टैंडर्ड प्लंजर ऑफ 10 mm डाया एंड 50 mm लॉन्ग इज अटैच एंड बॉट डाउन टू टच द सरफेस, मैंने जो जैसे आपको बताया क्या करना है, brought down to brought down to touch the surface of the paste in the test block and quickly release, allow it to sink into the paste by its own weight, मतलब 10 mm का डायमीटर का अपन को प्लंजर लेना है और 50 mm लॉन्ग उसको अटैच करना है, किससे, ऊपर जो वो दिया रहेगा ना उससे, अब उसको क्या करने देना है, अपन को रिलीज होने देना है, अब वो अपने खुद के वेट से वो रिलीज़ होगा, ठीक है, और वो मोल्ड के अंदर जाएगा। सेकेंड ट्रायल अपन को 25% ऑफ वाटर कंटेंट डालने का है, ठीक है, एंड फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर, और फिर अपन को वापस से जिना पेनिट्रेशन होता है उसका, वो अपन को फाइंड कर देने का है। सिमिलरली अपन को क्या करना है, कंडक्ट ट्रायल विद हायर एंड हायर वाटर सीमेंट रेशियो, और जितने हायर हायर अपन को वो बढ़ाते जाना है उसके अंदर, वाटर कंटेंट बढ़ाते जाना है, ठीक है। फिर प्लंजर का पेनिट्रेशन डेप्थ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप, अपन को जो है टाइम नोट करने का है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वाटर विच अलाउ द प्लंजर टू पेनिट्रेट ओनली टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप इज नोन एज परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ सीमेंट बेस्ड ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब द पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वाटर विच इज अलाउड टू प्लंजर, मतलब इस तरीके की पानी की जो अपन को कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, सीमेंट के अंदर जो अलाउ करती है किसको, प्लंजर को अंदर पेनिट्रेट करने में, वो अपनी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अब वो कि 25 में आए या कि 35% में आए, वो आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। आपको बार बार 24, 25%, 27% पे ये टेस्ट करना है, और जो भी आपको कंसिस्टेंसी मिलती है वो कंसिस्टेंसी आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। दिस परसेंटेज इज यूजुअली डिनोटेड एज पी, और इस परसेंटेज को अपन यूजुअली पी से डिनोट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज को पी से डिनोट करते हैं। द टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्ट इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको हमको क्या करना है, कंडक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन कोई पहला ट्रायल अपन दूसरे टेम्परेचर पर कर रहे हैं और दूसरा ट्रायल अपन दूसरे टेम्परेचर, नहीं, अपने को जितने भी ट्रायल कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें करना है, ठीक है। 27+2 degrees Celsius एंड कांस्टेंट ह्यूमिडिटी, 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन सीमेंट इज मिक्स विथ वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पेस्ट, इट बिकम ग्रेजुअली लेस प्लास्टिक एंड फाइनली बिकम हार्ड मास, ठीक है। व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब सीमेंट किससे मिक्स होगा, वाटर से मिक्स होगा
एंड मेक अ सॉफ्ट फेस, इट बिकम ग्रेजुअली लेस प्लास्टिक। तो उसकी जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिकनेस उसके अंदर कम हो जाएगी, ठीक है, और फाइनली उसका जो मास है वो अपन को हार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ स्टेज इज रिच व्हेन द सीमेंट पेस्ट इज सफिशियंटली रिजिड टू विथस्टैंड अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ स्टैंडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ स्टेज इन विच रिच सीमेंट पेस्ट इज सफिशेंटली रिच, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे जो अपना सीमेंट का पेस्ट होगा वो रिजिड हो जाएगा और विथ उसके अंदर एक प्रॉपर डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर रहेगा, ठीक है। द टाइम टू रीच द स्टेज इज टर्म एज सेटिंग टाइम, और वो जो रिजिडेट रिजिडिटी प्राप्त करने का जो टाइम है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेटिंग टाइम। द सेटिंग टाइम डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइडेड है सेटिंग टाइम, एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम और एक फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम किसको बोलते हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम इज रिगार्डेड एज द टाइम एलेप्स्ड बिटवीन द मोमेंट ऑफ मोमेंट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम, जैसे ही तुम पानी डालते हो सीमेंट के अंदर, जो पानी है उस जो सीमेंट है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपना क्या हो गया भैया, जिस मोमेंट में अपन पानी डाला वो हो गया अपना इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, ठीक है। टू द टाइम द पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इज प्लास्टिसिटी, ठीक है, ये जो टाइम है उसकी जो प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, जैसे ही पानी डाला और प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर दिया सीमेंट ने, वो अपना क्या हो जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, याद रखना, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम एलेप्स बिटवीन द मोमेंट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम व्हेन द पेस्ट हैव कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी, मतलब कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ही लूज कर दे, वो अपना क्या हुआ, एकदम रिजिड हो जाए, वो अपना क्या हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम हैज अटेंड द सफिशियंट फर्मनेस टू रिजिस्ट द डेफिनेट प्रेशर। और जैसे कि अब मैं उसके ऊपर प्रेशर डालता हूँ तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो अपना क्या हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें वो दिमाग में रखना आपको जरूरी है। इनिशियल सेटिंग टाइम किसको बोलेंगे, तो जैसे ही अगर मैं पानी डालता हूँ उसके अंदर सीमेंट के अंदर, उसके बाद उसको मैं मिक्स करता हूँ, तो जो प्लास्टिक सिटी गेन होने का जो टाइम है पानी डालने के बाद और प्लास्टिक सिटी लूज होने का टाइम है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम। और प्लास्टिक सिटी परफेक्टली लूज हो जाए के बाद, वो मेरे को नोट डाउन करना रहेगा, पानी डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी परफेक्टली लूज हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है, सेटिंग टाइम बोलेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो उसका सेटिंग टाइम और ये सब हम कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए आपको इस जो मैंने टॉपिक्स कवर करे हैं वही चीज़ रिवाइज करनी है, इसका असाइनमेंट मैं आपको अपलोड कर दूंगा और वो असाइनमेंट आपको मुझे लिख के दिखाना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।